नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं ब्रजेश। जीएसटी काउंसिल की कल होने वाली बैठक में ड्यूअल कंट्रोल के मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। ड्यूअल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार और कुछ राज्यों के बीच विवाद है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य 1.5 करोड़ रुपए तक के टैक्स कलेक्शन का पूरा अधिकार चाहते हैं, जबकि केंद्र इसके लिए तैयार नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि टैक्स कलेक्शन के लिए दो एजेंसियां काम करें। इससे पिछली बैठक में IGST, CGST और SGST को लेकर राज्यों के साथ सहमति बन चुकी है। सरकार 1 अप्रैल से GST लागू करना चाहती है। ऐसे में कल होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि कल GST को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच ड्यूअल कंट्रोल को लेकर सहमति बनाने की कोशिश होगी। काफी पेचीदा मुद्दा रहा है और इसको लेकर राज्य सरकार के कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, उसको दूर करने की कोशिश लगातार हो रही है। 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले टैक्सेस के एसएससीज के लिए राज्य सरकारें चाहती हैं कि अधिकार उनका हो। सर्विस टैक्स को लेकर केंद्र सरकार चाहती है कि वो हक केंद्र सरकार के पास हो और उसमें राज्य सरकारों का दखल ना हो। केंद्र सरकार को लगता है कि उसके पास एक्सपर्टीज है और राज्य सरकारों के पास अभी नहीं है, इसलिए कुछ समय के लिए कंट्रोल केंद्र सरकार के पास रहना चाहिए। और ये तमाम जटिल मुद्दे हैं जिनको लेकर कल एक अहम बैठक होने वाली है, और उसमें माना जा रहा है कि ड्यूअल कंट्रोल का मुद्दा ही प्रमुख रहेगा और उस पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। टैक्स वसूली को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद रहा है, और जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, कह सकते हैं कल की जो बैठक है वो काफी अहम रहने वाली है, खासकर ड्यूअल कंट्रोल का जो मुद्दा है काफी दिनों से लटका हुआ है, काफी पेचीदा है। बिल्कुल, देखिए कल जो जीएसटी काउंसिल की नवी बैठक होने वाली है उसको लेकर उम्मीद लगाई जा सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली कुछ नए फार्मूले के साथ इस बैठक में आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो ड्यूअल कंट्रोल को लेकर जो तमाम राज्यों की डिमांड रही है कि वो नहीं चाहते कि कोई भी 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले तमाम जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं उनका कंट्रोल सेंटर के हाथ में जाए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सेंटर के पास क्या कोई नया फार्मूला है इसके लिए, क्योंकि राज्यों ने बिल्कुल इस बात को लेकर इनकार कर दिया है कि वो अपने कंट्रोल को लूज करने के बिल्कुल भी हक में नहीं है। कल 12 बजे से बैठक की बात फिर से होगी जीएसटी काउंसिल की, और देखना होगा कि पिछले 8 बार में जो बातचीत नहीं हो पाई है, जो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई ड्यूअल कंट्रोल और क्रॉस ओवर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, उसमें क्या इस बैठक में कोई रास्ता या कोई कह सकते हैं कि समाधान निकलता है वो दिखता है या नहीं दिखता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आलोक इस जानकारी के लिए। तो कल सबकी नजरें होंगी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, क्या सहमति बनती है, क्योंकि 1 अप्रैल से सरकार इसे लागू करना चाहती है और उसके लिए राज्यों के साथ सहमति बननी बहुत जरूरी है।